कानपुर के समस्त ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी आपका आपके अपने ही घर कानपुर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं आशा दीदी एक बहुत बहुप्रतिभा पर्सनालिटी की धनी है। आप एक सीनियर स्पिरिचुअल लीडर हैं, एक कुशल वक्ता हैं तथा डायनामिक डायरेक्टर हैं। 9 वर्ष की कोमल आयु से आशा दीदी ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाए हुए राजयोग की विद्या ले रही हैं तथा सन 1972 में इन्होंने अपना जीवन ईश्वरी सेवाओं अर्थ समर्पित किया। वर्तमान में आशा दीदी दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की मुख्य निदेशिका हैं। आशा दीदी ने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में पार्ट लिया और जो कुछ मुख्य अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स जिनको कि यूनाइटेड नेशंस के संघ ब्रह्म कुमारी ने किया वो है मिलियन मिनट्स ऑफ पीस यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट इन 1986, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट इन 1988 and International Year for the Culture of Peace, United Nations Project in the year 2000. आशा दीदी यज्ञ के और भी कार्यभार संभालते हैं, उनमें से कुछ है दीदी बीके माउंट आबू की मैनेजमेंट कमिटी की मेंबर हैं और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन हैं तथा ब्रह्म कुमारी की टीचर्स ट्रेनिंग की सीनियर फैकल्टी मेंबर के साथ साथ दिल्ली जोन की सेवाओं को संभालते हुए ब्रह्म कुमारी को एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंट करते हैं। और आप में से कई लोग जानते होंगे लेकिन जो नए हैं उनके लिए बताऊं कि आशा दीदी और उनके माता पिता का अलौकिक जन्म कानपुर में ही हुआ। उनके माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा के टाइम के यज्ञ के वारिस क्वालिटी सोल्स और आशा दीदी और उनके पूरे परिवार ने गंगे दादी से पालना ली, इसलिए आशा दीदी कानपुर रतन है, यूपी रतन है, भारत रतन है और बाबा के नूरे रतन तो हैं ही हैं। सो दीदी एक बार आपका फिर से आपके अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओ शांति, प्यारे बाबा ने इतना सुंदर परिवार दिया, क्या क्या दिया संगम पर बताओ तो सही, बताओ तो सही। पालना, पढ़ाई और परिवार, परिवार मिली बाप रूप से, पढ़ाई भी मिली परिवार रूप से और परिवार भी बाबा ने दिया, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते हैं ना, हम सन्यासी नहीं है, हम प्रवृत्ति वाले नहीं है, निवृत्ति वाले नहीं है, हम प्रवृत्ति वाले, हम परिवार वाले हैं। तो बाबा ने शुरू से लेकर के संगठन की, परिवार की रसम बनाई है। बाबा ने आदि में जब कराची में बीज बोए तो भी सत्संग का रूप था, सारे इकट्ठे बैठते थे और जब हम लोग को सेवाओं में क्लासेस की शुरुआत हुई तो भी हम सब इकट्ठे पढ़ते थे, इंडिविजुअल थोड़ी पढ़ता था, कोई एक एक बैठ के पढ़ता था नहीं, एक एक बैठ के पढ़ते हैं स्पेशल पढ़ाई के लिए, बाकी तो संगठन में पढ़ते थे, इकट्ठी सारी मुरली चलती है। बाबा कहता मैं इकट्ठे, आज भी बाबा ने कहा मैं संगठन में सभी को वरदान देता हूं, दाता वरदाता भाग्य विधाता, मैं सबको इकट्ठा देता हूं, लेकिन सब लेते फिर उसको नंबर वाइज।